Shut up and sit down. ओलंपिक खेल आयोजन पर निबंध। खेल अनेक प्रकार के हैं, जिनका अजीब अजीब नाम भी होता है। कई कई खेलों का आयोजन चलता ही रहता है, लेकिन एक खेल आयोजन ऐसा है जिसे संसार भर का सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जाता है। उसका नाम है ओलंपिक। ओलंपिक खेल के अंतर्गत बहुत सारे खेल आते हैं। इसमें दुनिया भर के चुनिंदा खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। इन खेलों में अनेक प्रतियोगिताएं होती है। जो देश कई खेलों में सबसे अधिक बार प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसे ओलंपिक विजेता कहा जाता है। ईसा पूर्व में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। यह प्रतियोगिता यूनान के एक प्रदेश के एक छोटे से नगर ओलंपिया में संपन्न हुई थी। उस प्रतियोगिता का नाम दौड़ प्रतियोगिता था। इसमें एलिस प्रदेश का एक व्यक्ति प्रथम स्थान पर आया। उसका नाम कोराबस था। कोराबस को जैतून की पत्तियों से बना ताज पहनाया गया। इस आयोजन को पहला ओलंपिक माना जाता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बारे में प्रचलित एक कहानी है। एलिस प्रदेश का राजा सिरोमस बहुत ही निर्दयी था। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। उसका नाम हिपोडेमिया था। सिरोमस अपने बेटी की शादी करना चाहता था। शादी के लिए उसकी शर्त थी, जो बहुत ही अजीब थी। शर्त के अनुसार हिपोडेमिया की शादी उस व्यक्ति से ही होगी जो उसकी बेटी का अपहरण कर उसे अपने रथ में बैठा कर भगा ले जाएगा। अपहरण होते ही रथ का पीछा राजा रथ से करेगा। अपहरणकर्ता अगर पकड़ा गया तो राजा उसे मार डालेगा। शर्त तो बड़ी ही खतरनाक थी। कई युवक उसकी बेटी के साथ शादी करने के लिए आगे आए, लेकिन सब के सब युवक शर्त हार गए, जिससे वे मार डाले गए। अंत में एक युवक सामने आया। उसका नाम था पोपोल्स। वह बड़ा ही चालाक निकला। शर्त पूरी करने से पहले उसने राजा के सारथी से दोस्ती कर ली। पोपोल्स ने सारथी को धन का लालच दिया। पोपोल्स ने सारथी को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह राजा का पीछा करने से पूर्व रथ के दोनों पहिए ढीले कर देगा। शर्त के अनुसार पोपोल्स ने राजकुमारी हिपोडेमिया का अपहरण कर तेजी से रथ दौड़ाया। राजा ने उसका पीछा किया। रथ के पहिए ढीले होने के कारण राजा का रथ डगमगाने लगा। इसी बीच सारथी रथ से नीचे कूद पड़ा। अचानक रथ के दोनों पहिए निकल गए और पहिए के नीचे दबकर राजा की मृत्यु हो गई। उधर पोपोल्स ने हिपोडेमिया के साथ खुशी खुशी विवाह किया। कहते हैं कि उस दुष्ट राजा पर विजय प्राप्त करने की खुशी में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। तब से ओलंपिक खेल की शुरुआत हो गई। प्रत्येक 4 वर्षों पर ओलंपिक का आयोजन होता है। अब तक 28 ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन सम्राट, राष्ट्रपति या अन्य राजाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, आयोजन समिति के अध्यक्ष और दोनों समितियों के सदस्य उनका स्वागत करते हैं। फिर उन्हें ट्रिब्यून ऑफ ऑनर सम्मान मंच पर ले जाया जाता है। इसके साथ ही उपस्थित सामूहिक वाद वृंद और संगीत दल मेजबान देश का राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, सम्राट, राष्ट्रपति अथवा राजाध्यक्ष को सन 1896 में बैरोन पियरे डी कोर्बटिन द्वारा आरंभ किए गए आधुनिक युग के खेलों का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ओलंपिक ध्वज पर आपस में पिरोए हुए 5 छल्ले मूल रूप में 5 महाद्वीपों की मित्रतापूर्ण एकता का प्रतिनिधित्व करते थे। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मित्रता के प्रतीक हैं। इन छल्लों के नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग उन रंगों के सूचक हैं जो विभिन्न दलों के ध्वजों में होते हैं। सफेद पृष्ठभूमि शांति के प्रतीक है। सीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस ये शब्द इन गोलों के नीचे अंकित है। इस प्रकार से ये ओलंपिक आदर्शों को दर्शाते हैं। ये लैटिन भाषा के शब्द है जिनका क्रमशः अर्थ है अधिक तेज, अधिक ऊंचा, अधिक दृढ़। ये शब्द खिलाड़ियों को तेज दौड़ने, ऊंचा कूदने और दृढ़ता के साथ पहले दूर फेंकने तथा पहले से अच्छा और अच्छा कर दिखाने की प्रेरणा देते हैं।